हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 6, जो कि आपका 9th क्लास का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है टिश्यूज़, और यहाँ पे करेंगे हम इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट आपके चैप्टर के नेम से ही रखा गया है, व्हाट इज़ अ टिश्यू, टिश्यू क्या है। तो टिश्यू देखिए क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ये ग्रुप है। जब कई सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और जो भी सेल्स होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे और ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। और जो भी आपके सेल्स हैं वो क्या है, एक तो यहाँ पे बोला गया है स्ट्रक्चर उन सेल्स का क्या होगा, सिमिलर होगा, और वो सारे सेल्स ऑर्गेनाइज होके इकट्ठा काम करेंगे और उस और एक स्पेशल तरह का काम करेंगे, वो स्पेशल टास्क परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि टिश्यू किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ द टिश्यूज़ इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप जानते हैं दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं हमारी अर्थ के ऊपर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलर। हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, तो जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर तो क्या एक ही सेल है, उनके अंदर तो टिश्यू फॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो वहाँ पे और यहाँ पे, मतलब हमारे अंदर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से क्या क्या काम करते हैं टिश्यूज़, वहाँ पे तो सेल ही काम कर देंगे सारा यूनिसेलर में, लेकिन हमारे अंदर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू का क्या काम है, क्या यूटिलिटी है। तो देखिए क्या यूटिलिटी है, पहले तो आपको बताया गया है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सिंगल सेल है वो सारे बेसिक फंक्शन जो कि सेल को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, मूवमेंट हो गया, एक्सक्रीशन मीन्स वेस्ट का बॉडी से बाहर करना हो गया, या फिर फूड का डाइजेशन हो गया, तो ये सारा काम कौन करता है सेल के अंदर, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सेल करता है ये सारा काम, क्योंकि वहाँ पर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स ग्रुप में काम करेंगे, एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करेंगे वो। तो यही बोला गया आपको कि दीज टिश्यूज आर स्पेशलाइज टू कैरी अ पर्टिकुलर फंक्शन एट ए डेफिनाइट प्लेस इन द बॉडी, और ये पर्टिकुलर फंक्शन भी बॉडी के एक डेफिनाइट एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही होगा। जैसे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे मसल सेल्स, जो मसल सेल्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मस्कुलर टिश्यू का, और ये हेल्प किसमें करता है, मस्कुलर टिश्यू बॉडी की मूवमेंट करवाने के लिए, जैसे हाथ हिलाना, कोई चीज़ लिखना, कोई भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी, वहाँ पे कौन हेल्प करेगा, हमारी मस्कुलर टिश्यू। दूसरा एग्जांपल दिया गया है नर्व सेल्स का, नर्व सेल्स इकट्ठे होने के बाद क्या कहलाता है, नर्वस टिश्यू कहलाता है, और काम क्या होता है नर्वस टिश्यू का, ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेजेस, जैसे कि कोई भी स्टिमुलस लेके जाना है या कोई भी रिस्पॉन्स बॉडी को करना है, तो वो किस सेल के थ्रू होगा, आपके नर्व सेल्स के थ्रू। इसलिए हम बोल देंगे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है, सेल्स का अपना अपना काम बटा हुआ है, हर सेल अपने अपने अकॉर्डिंग अपना काम करेगा बॉडी के अंदर। दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिवीज़न ऑफ लेबर डेट मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म आर एबल टू परफॉर्म ऑल फंक्शन एफिशेंटली, और यही एक रीज़न है डिवीज़न ऑफ लेबर, जिसकी वजह से जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने फंक्शंस को एफिशेंटली परफॉर्म कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका पेज नंबर 74 से है। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज़। प्लांट के अंदर आपको पता है दो तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है सिंपल टिश्यूज़ के नाम बताइए। देखो सिंपल टिश्यू भी आपका क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। आपके कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक तो है आपका यहाँ पे पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, और तीसरा क्या है आपका स्क्लेरेन्काइमा। और जो पैरेन्काइमा है वो फिर आपका आगे दो तरह का है, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। ठीक है, इन जो ये टिश्यूज़ है ना, इनके अपने 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 फंक्शन है, जैसे कि पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है, कोलेन्काइमा आपका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा सेल्स को। तो हर टिश्यू का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, और जो पैरेन्काइमा है वो दो तरह से आगे फर्दर डिवाइडेड है, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा के अंदर क्या होगा, एयर की स्टोरेज होगी, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होता है। क्लोरेन्काइमा क्या करेगा, क्लोरोफिल को स्टोर करेगा। तो ये क्या था, प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ देखने को मिलती है प्लांट्स के अंदर। देखिए जैसे प्लांट है आपका, तो प्लांट के अंदर क्या है, आपके तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होगा आपका
लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने किसकी बात की है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा। तो देखिए कहाँ प्रेजेंट होता, जो भी ग्रोइंग टिप्स होती है ना आपकी, स्टेम की हो या फिर रूट की हो, कहीं की भी आपकी ग्रोइंग टिप हो, तो वहाँ ग्रोइंग टिप में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है आपका, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यही बोला गया आपको, कहाँ प्रेजेंट है ये, ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। द मेन फंक्शन इज टू इनिशिएट ग्रोथ इन द न्यू सेल्स ऑफ सीडलिंग एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट्स। तो जो भी प्लांट की ग्रोथ होती है ना, जो भी प्लांट का साइज बढ़ता है, यहाँ पे साइज बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है कि आपके यहाँ पे प्लांट के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ द कोकोनट। तो पता होगा आपको कौन सा टिश्यू है जो हस्क बनाने का काम करता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, जो कि एक डेड टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम के जो अलग अलग सेल्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है आपका फ्लोएम, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो जो सेल्स हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के, उनके आपको नाम बताने हैं। तो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यहाँ पे फ्लोएम के, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो नाम देखिए क्या क्या है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये चारों इकट्ठा मिलकर क्या कहलाते हैं, फ्लोएम टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 78 से है आगे क्वेश्चन आपके, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी। कौन सा टिश्यू है जो बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है, तो मस्कुलर टिश्यू कि क्या करता है, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन किस तरह का दिखता है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यूरॉन, इसके बारे में आपको स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसा दिखता है, क्या होता है। देखो तो न्यूरॉन एक आपका एक नर्व सेल ही है, इसके अंदर एक तो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा जैसे नॉर्मल सभी सेल्स के अंदर होता है, और एक यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक क्या होगा न्यूक्लियस और एक होगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म। आपको ना यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, दो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन आउटग्रोथ देखने को मिलती है आपको इस सेल के अंदर, एक को तो हम बोलते हैं एक्सोन और दूसरी क्या है आपकी डेंड्राइट्स। ठीक है, एक तो आपकी एक्सोन और दूसरी क्या है डेंड्राइट। एक्सोन क्या है, एक लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है नर्व सेल की, जो करती क्या है, इम्पल्स को सेल से दूर लेके जाती है। ठीक है, और डेंड्राइट्स क्या है, ये डेंड्राइट्स थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ही होते हैं ये भी, ये क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। एक्सोन ट्रांसमिट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सोन क्या करती है, इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करती है सेल से दूर। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं, और ये कोऑर्डिनेट करके मतलब दोनों इकट्ठा काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो भी इम्पल्स है वो क्विकली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो देखिए एक बार स्ट्रक्चर में भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा है ये तो है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है, और जो इसके बाहर वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, या इसको हम सेल बॉडी भी बोल सकते हैं। इससे दो पार्ट्स निकले हैं, एक तो आपका ये एक्सोन पार्ट हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया आपका, और एक दूसरे आपके ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गए जो सेल बॉडी से निकले हैं। तो इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, जिन जो लेंथ में दिखाई दे रहा है आपको उसको बोलते हैं एक्सोन, और जो आपको कई तरह के फाइबर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। तो इकट्ठा मिलके ये क्या करवाने में हेल्प करते हैं, नर्व इम्पल्सिस को कंडक्शन करवाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स के आपको 3 फीचर्स बताने हैं। देखिए हमारे अंदर 3 तरह की मसल्स होती है, स्केलेटल मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, और कार्डिक मसल होती है। तो यहाँ पे हमें कार्डिक मसल्स के फीचर बताने हैं। तो सबसे पहले जो कार्डिक मसल है वो इनवोलेंट्री, कैसा है, इनवोलेंट्री। इनवोलेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो अपने विल से काम करे, मतलब हमारे विल से जो मसल काम ना करे। कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, इसका कॉन्ट्रैक्शन है वो जल्दी जल्दी होता है, बट नेवर गो फैटिक, ये मसल कभी थकती नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, इसकी शेप के बारे में बात की गई है, सिलेंड्रिकल शेप है, ब्रांच्ड है और यूनी न्यूक्लिएट है। जैसे आपने बुक में चेक भी किया होगा इसका स्ट्रक्चर, कुछ आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा इसका, ब्रांचिंग में स्ट्रक्चर है, और कैसी है आपकी ये यूनी न्यूक्लिएट। ये किसका बनाया मैंने यहाँ पे डायग्राम, आपकी कार्डिक मसल्स का, एक ही न्यूक्लियस होगा एक सेल के अंदर, और कैसी है ये, सिलेंड्रिकल है और ब्रांच्ड है। दे कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। काम क्या है इन मसल्स का, हार्ट को कब कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, कब रिलैक्स करवाना है, तो उसका कंट्रोल इन्हीं मसल्स के ऊपर होगा, मतलब हार्ट को कंट्रोल करने का काम इन्हीं मसल्स का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू? एरियोलर टिश्यू क्या काम करता है? एरियोलर टिश्यू देखिए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे अंदर प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू। तो काम क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, और दूसरा काम क्या है, स्किन और मसल्स को रिपेयरिंग करने का काम करना। तो ये किसका काम है, आपके एरियोलर टिश्यू का।